नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं न्यूज 47। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो कि बहुत ही परेशान कर देने वाली है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कॉलेज के सामने दिन दहाड़े एक युवती की हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, अग्रवाल कॉलेज से यह लड़की, जिसका नाम निकिता तोमर बताया जा रहा है, परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी और उसी बीच उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतका के परिजनों ने बताया कि आरोपी का नाम तौफीक है, जिसने पहले भी उनकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की थी। वह कई सालों से उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाकर उससे शादी करने का भी दबाव बना रहा था। मृतका के पिता ने इस लड़के के खिलाफ बल्लभगढ़ थाने में कंप्लेन लिखवाई थी, लेकिन तौफीक का राजनीतिक संबंध होने के कारण उनसे वह केस वापस लेने का प्रेशर बनाया गया, यह कहकर कि वह आरोपी अब उनकी बेटी को परेशान नहीं करेगा। इस हत्या में दो आरोपी शामिल हैं, एक 21 वर्ष का तौसीफ है और दूसरे का नाम रेहान है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 12 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया और इस मामले के लिए स्पेशल SIT टीम भी बनाई गई है। इस विषय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और तो और, मृतका के परिजनों ने आरोपियों को फांसी या इनकाउंटर की सजा देने की मांग की है। हमारे देश में बढ़ते ऐसे अपराधों को देखते हुए सरकार को इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, ताकि कोई दूसरा ऐसा सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। ऐसा समाज जहां हमारी बेटियां ही सुरक्षित ना हो और वो दिन में भी बाहर निकलने से घबराए, वह समाज तो क्या जेल भी कहलाने के लायक नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।